ये फर्स्टली मुनावर कांग्रेचुलेशन थैंक यू भाई फॉर द विनिंग लॉकअप लॉकअप हां थोड़ा ही बता लॉकअप की मैं बात करूं स्टार्टिंग विद अ रियल लॉकअप एंड विनिंग अ रियलिटी लॉकअप होल्डिंग दैट ट्रॉफी इज अ बिग मोमेंट फॉर यू टेल अस समथिंग अबाउट द फीलिंग किस तरह की फीलिंग होती है बिल्कुल आप पे वही फील होता है कि चाहे कुछ भी हो लाइफ में आप रुकते नहीं हो और आप गलतियों से सीखते हो आगे बढ़ते हो और जो अचीव करना चाहते हो वो कर लेते हो कोई भी पतली गली पकड़ के या बड़ी सड़क पकड़ के कैसे भी पकड़ लो बट भागना ज़रूरी होता है तो भागो और हासिल कर लो नाउ आफ्टर फ्यू डेज एक हफ्ते हो जाएगी आपको जीतते हुए शो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है किस तरह का प्यार मिल रहा है बहुत अमेजिंग बिलीव नहीं होता है जब लोगों को इस तरह जमा होते हुए देखता हूँ हर जगह जहाँ पे मैं जाता हूँ तो बहुत खूबसूरत है ये बहुत प्यार मिल रहा है और मैं चाहता हूँ ये बना रहे और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में काम शुरू हो चुका है एंड व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू वेंट टू योर हाउस मैं बात करूँ डोंगरी की सारे क्राउड मैंने देखे किस तरह का फीलिंग होता है वो सारी भाई बहुत ज़बरदस्त फीलिंग कि मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने जब लोगों को इस तादाद में देखा तो मेरे लिए वो एक मूवमेंट था कि जहाँ पे मुझे पता चला कि हाँ भाई कुछ तो बढ़िया करके आ गया अपन तो वो वाली फीलिंग उस वक्त आई और बहुत मज़ेदार फील था और बहुत ऐसा दिल भर गया था कि हाँ कुछ तो कर दिया और ये जो प्यार कर रहे लोगों की अब जिम्मेदारी है कि इनको बदले में उतना एंटरटेनमेंट दिया जाए शो की मैं बात करूं तो शो में हमने लगातार आपको देखा है कि आप अपनी मम्मी को काफी मिस करते हैं आपने जब ट्रॉफी उठाई द नेक्स्ट डे वाज मदर्स डे किस तरह से आपने अपनी मम्मी को विश किया और आज अगर आपकी मम्मी रहती तो क्या कुछ आपको कहते ये ट्रॉफी के साथ देखते वो होते तो बहुत ही खुश होते मुझे मैं जानता हूँ वो ज्यादा खुश होते और वो ये तो ट्रॉफी तो बहुत बड़ी बात है वो मेरी छोटी चीज में भी खुश हो जाते लेकिन वही होता है कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें नहीं मिलती आपको कुछ चीज़ें होती है जो ले ली जाती है ताकि दूसरी चीज़ मिले तो आई एम ग्लैड कि मेरी उनकी दुआएं जो है वो मेरे साथ है और उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और सीक्रेट टेलिंग टास्क की मैं बात करूँ काफ़ी डिफिकल्ट था सब कंटेस्टेंट के लिए आपके लिए कौन सा ऐसा सीक्रेट था जो काफ़ी डिफिकल्ट पर्सनली काफ़ी डिफिकल्ट था और आपने वो सोचा 10 बार कि अगर मैं इफ आई से समथिंग अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो बाहर जाके किस तरह से रिएक्ट होता है कोई ऐसा टास्क दोनों सीक्रेट्स जो थे वो दोनों में वही फील था कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था बट लोग ये सोच लिया था कि जब धीरे धीरे वहाँ पे 2-4 हफ्ते के बाद पता चलने लगा था कि आप इतने वोकल वो शो ने बना दिया था आपको कि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा कि ठीक है यार अपने आप को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है अपनी कमियां हो या खामियां हो जो भी है वो एक्सेप्ट इस तरह पब्लिकली भी करी जा सकती है और मैंने वही किया शायद मुनव्वर मैं आपकी बात करूँ आपके जो होस्ट कंगना मैम उनसे आपका बॉन्डिंग पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोगों ने स्ट्रॉन्ग देखा था शो के बाद किस तरह से आप कंगना मैम को देखते हो मैं कंगना को एकदम प्रोफेशनल देखता हूँ और सबको पता है वो बहुत बेहतरीन अदाकारा है बट साथ साथ में एक समझदार सुलझी हुई इंसान भी है जो हमें वक्त वक्त पे देखने मिली जजमेंट डे पे कभी कभी उन्होंने जो चीज़ें कही है वो कहीं ना कहीं मैंने उससे कुछ सीखा है और उससे कुछ समझ के अपने अपनी लाइफ में ऐड किया है भले ही और ये एक जीता जागता नमूना है जैसे बोलेंगे कि दो अलग अलग सोच वाले लोग भी एक साथ काम कर सकते हैं ये होता है प्रोफेशनलिज्म और इस तरह काम किया जा सकता है और एक जो लोगों को लगता था कि ये दोनों ही बहुत ऑपोजिट है ये शो में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होंगे इनके बीच में तू मैं होंगी बट वैसा कुछ नहीं हुआ इसका रीज़न ये है कि हम दोनों अपने अपने काम में बहुत प्रोफेशनल थे और माहिर थे और हमने वो किया आपने काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए घर पे हमने देखे कोई ऐसा दोस्त जो आपके सबसे करीब हो कोई ऐसा दोस्त एक If you want to pick one. डिफ़िकल्ट होगा किसी को भी एक को पिक करना कि कोई मेरे करीब हो बट सारे ही 5-6 लोग मुझे बहुत अच्छे मिले जिनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा दोस्त मिले कोई ऐसा इंसान जिसको आप ये लॉकअप के बाहर कभी ना मिलना पसंद आई डोंट थिंक ऐसा कोई इंसान है इतना स्ट्रांगली मैं किसी को हेट या नापसंद नहीं कर रहा हूँ पूरी जर्नी में बट आई डोंट थिंक शायद ऐसा कुछ है And what do you want to say about Anjali Arora
उनकी और आपकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी, लोगों को काफी पसंद आई। आपको कैसी लगी? आप जब बाहर आते हो काफी वीडियोस है आपके, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी दोस्ती को? मैं बात करूँ, लोगों ने बहुत प्यार दिया, और वही होता है कि लोग जब प्यार देते हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है एक बॉन्ड के साथ, एक रिश्ते के साथ, तो आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। तो जो भी था बहुत अच्छा था, हम दोनों के बीच में जो दोस्ती थी और जिस तरह का हम लोगों का कंफर्ट लेवल था एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छा था, और हम लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने एक साथ बहुत टास्क किए, जीते। उनकी रील्स की मैं बात करूँ, पूरी दुनिया उनके रील्स की फ़ैन है, आपके साथ उनकी कब रील्स आएगी? ये लोगों की डिमांड है। मैं रील नहीं बना पाता हूँ, मैं रील नहीं बना पाता हूँ, वो लिपसिंग वाला मुझसे होता नहीं है। मैं कोशिश पहले बहुत करता था, बट फिर एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझसे रील नहीं बनती है, बट मुझे शौक बहुत है, बट आई डोंट थिंक कि मुझसे वो बनती है, मैं नॉट कंफर्टेबल। लॉकअप की मैं बात करूँ, कोई ऐसी दो चीज़ जो आपके साथ हमेशा रहेगी, और कोई लॉकअप से आपने क्या सीखा है? लॉकअप से मैंने यही सीखा है कि आप हर चीज़ कर सकते हो, हर सिचुएशन में आप उससे बाहर आ सकते हो और हर काम कर सकते हो, जैसे उपले बनाना हो, पेटी बनाना हो, चटनी मसाला कूटना, क्या क्या बनाया हम लोगों ने वहाँ पे, रुमाल सिले हैं, साड़ियों की रस्सियाँ बनाई है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने वहाँ से एक चीज़ वो सीखी है कि कुछ भी आप कर सकते हो, आप जो कर सकते हो कर सकते हो, और इतनी सारी चीज़ें आना भी आसान है। अब आने वाले समय में मुनव्वर को हम कहाँ देख पाएंगे? आप मुनव्वर को कहीं ना कहीं ज़रूर देख लोगे, जैसे OTT हो गया, YouTube हो गया, हो सके तो TV हो गया, और सिनेमा हॉल भी हो गया इंशाल्लाह। तो जहाँ भी जाएंगे दिखेंगे, और लाइव स्टेज पे तो मैं बहुत जल्दी मिलूँगा कॉमेडी करता हुआ, तो ज़रूर आइएगा। थैंक यू सर।